गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रेशन इन प्लैटीहेलमिंथीज और ये इसका पार्ट टू है। जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फेशियोला हेपेटिका के एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो प्लैटीहेलमिंथीज का ही एक और सदस्य जो कि एंडोपेरासाइट होता है टीनिया सोलियम, उसके एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टीनिया सोलियम जिसे कि टैपवॉर्म भी कहते हैं, टीनिया सोलियम में जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, जिसका एमिशन सिस्टम होता है, वो तीन मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फर्स्ट फ्लैम सेल्स, टू पेयर्स ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स या एमिशन कैनाल्स, एंड थर्ड वन इज द एसोसिएटेड सेकेंडरी एमिशन डक्ट्स। इस प्रकार इनमें ये फ्लैम सेल्स, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स और ये कुछ ट्रांसवर्स सेकेंडरी एक्सक्रीटरी कैनाल्स पाई जाती है। टैपवॉर्म के स्ट्रोबिला का जो प्रत्येक प्रोग्लोटिड है उसकी आंतरिक पेरिकाइना में बहुत सारी फ्लैम सेल्स पाई जाती है। ये पतली कैपिलरीज यानी कि एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स के द्वारा एक अनुप्रस्थ या सेकेंडरी एक्सक्रेटरी कैनाल से जुड़ी हुई होती है। फ्लैम सेल्स आर कनेक्ट टू अ ट्रांसवर्सली सेकेंडरी एक्सट्रैक्टिव कैनाल थ्रू अ नैरो कैपिलरी लाइक एक्सक्रेटरी ट्यूबुल। और ये जो सेकेंडरी एक्सक्रेटरी कैनाल है, ये प्रत्येक खंड में केवल एक होती है। द्वितीयक अर्थात जो अनुप्रस्थ कैनाल है, वो दोनों ही पार्श्व में एक पार्श्व पर उपस्थित एक जोड़ी यानी कि वेंट्रल वेसल्स को परस्पर जोड़ती है। इसके दोनों लेटरल साइड में एक एक वेंट्रल वेसल्स होती है जिनको ये ट्रांसवर्स कैनाल जोड़ती है। इस प्रकार से एनिमल के का जो एंटीरियर पार्ट है उसमें एक अन्य जोड़ी यानी कि एडिशनल पेयर लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रेटरी कैनाल भी पाई जाती है और ये डॉर्सल वेसल्स कहलाती हैं। दिस पेयर ऑफ लोकेटेड डॉर्सली एंड कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल वेसल्स व्हाइल द रिमेनिंग पेयर व्हिच इज डिस्क्राइब्ड अबव एज द वेंट्रिकल कॉन्स्टिट्यूट द वेंट्रल वेसल्स। इस चित्र में जैसे कि हम देख सकते हैं डॉर्सल एक्सक्रेटरी वेसल्स और वेंट्रल एक्सक्रेटरी वेसल्स दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं, यानी कि जो लेटरल लॉन्गिट्यूडली एक्सक्रेटिंग कैनाल्स है वो यहाँ पर पाई जाती है और जो डॉर्सल वेसल्स है इनको डॉर्सल वेसल्स कहते हैं। अब इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो अंतर है वो ये है कि जो डॉर्सल एक्सक्रेटरी कैनाल है वो तो आगे के कुछ खंडों तक ही सीमित रहती है, लेकिन जो वेंट्रल वेसल्स है वो देह की पूरी लंबाई में पाई जाती है यानी कि एंड तक ये उपस्थित होती है। अंतिम खंड में दोनों वेंट्रल वेसल्स परस्पर मिलकर एक पल्सेटिंग कॉडल वेसिकल बना लेती है। जो कि एक एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अंतिम खंड के प्रमोचन यानी कि जो एपोलाइसिस होता है उसके द्वारा बॉडी से अलग हो जाने पर दोनों ही जो वेंट्रल एक्सक्रेटरी कैनाल है ये स्वयं उत्सर्जी पोर की तरह कार्य करने लगती है। यानी कि जो अंतिम खंड होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें टीनिया सोलियम में समय समय पर एपोलाइसिस की क्रिया होती रहती है, ये जो अंतिम खंड होते हैं जो मैच्योर होते जाते हैं वो टूट कर अलग होने लगते हैं। तो ऐसे समय पे क्या होता है, जैसे ही ये देह से अलग हो जाते हैं तो उस समय ये जो एक्सक्रेटरी कैनाल है ये स्वयं ही एक्सक्रेटरी पोर की तरह कार्य करने लग जाते हैं और जो ये कैनाल से इनका भीतरी स्तर क्यूटिकल के द्वारा रेखित होता है।
द इंटरनल ल्यूमिन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स आर लाइन बाय द क्यूटिकल वाइल द ट्रांसवर्स वेसल्स एंड द ल्यूमिन ऑफ द फ्लैम सेल्स यानी कि ये जो कैनाल्स है इन ये अंदर से क्यूटिकल की तरह रखी रहती है और जो सेकेंडरी कैनाल्स और एक्सक्रेटरी सेल्स है इनकी जो गुहिकाएं होती है ये सीलिएटेड सेल्स के द्वारा में सीलिएटेड सेल्स पाई जाती है। सीलिया गति करके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो उत्सर्जी उत्पाद है यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैनाल्स में आगे से पीछे की ओर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ड्यू टू द सीलियरी बीटिंग इज लाइन बाय द सीलियर सेल द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज क्रिएटेड एंड द रिजल्टिंग डिजॉल्व एडमिशन वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन एंड फाइनली डिस्पेटेड थ्रू द एक्सट्रूशन। इस प्रकार से अंत में एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। बॉडी के अग्र पार्ट पर यानी कि रोस्टेलम पर ये अनुलंब नाले एक विस्तृत नेफ्रिडियल प्लेक्सस के द्वारा परस्पर जुड़ी हुई रहती है। द लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स डिवाइड इंटू ए म्यूचुअली ब्रॉड नेफ्रिडियल प्लेक्सस इसके अंदर ये डिवाइड होती है। अब हम इसमें जानते हैं कि इसका जो मुख्य पार्ट है वो फ्लैम सेल्स है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मुख्य पार्ट फ्लैम सेल्स है। फ्लैम सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था जो कि फेशियोला हिपेटिका के अंदर भी फ्लैम सेल्स मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्लैम सेल्स का वो दोनों में समान ही होता है। फ्लैम सेल्स फिर भी एक बार हम इसके बारे में फिर से बात करते हैं। ये जो कोशिकाएँ होती है ये बॉडी की जो मेसेनकाइमल टिश्यूज होते हैं उसमें फैली रहती है और जो बॉडी फ्लूड है उसमें उपस्थित नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स को स्वयं में ही ये प्रसारित करती रहती है। एक जो फ्लैम सेल्स है जिसको कि प्रोटोनेफ्रिडियम भी कहते हैं ये वैसे तो अनियमित प्रकार का होता है परंतु फिर भी इसमें ग्लैनुलर साइटोप्लाज्म केंद्रक और बाकी सारे जो भी एक पर्टिकुलर सेल के जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि अग्नि के लौ के समान या शिखा रूपी जो फ्लैजिला होते हैं वो इसमें गुच्छे के रूप में केंद्र के निकट होते हैं और जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो सेल की ल्यूमिन है इसके अंदर बहुत सारे ये फ्लैजिला लटके हुए रहते हैं और ये एक तरह से आग की लौ के समान आकृति प्रदान करते हैं इसलिए इनको फ्लैम सेल्स कहा गया है। फ्लैजिला इसमें उपस्थित ये जो एक अंतःकोशिकीय सूक्ष्म ल्यूमिन होती है ये ल्यूमिन एक कोशिका के द्वारा उत्सर्जी नलिका से संबंधित रहती है। तो इस प्रकार से ये फ्लैम सेल्स का स्ट्रक्चर है और ये जो फ्लैम सेल्स होती है ये इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है। अब हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी द नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एंटर ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू नॉर्मल डिफ्यूजन फ्रॉम द पेरेन्काइमा इनटू फ्लैम सेल्स एंड आफ्टर द फ्लैम्स रीचेज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स द एक्सक्रेटरी वेस्ट इज पुश्ड इनटू द सेल्यूमेन यानी कि मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो भी नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं वो पहले तो मेसेनकाइमल टिश्यू में डिफ्यूजन के द्वारा और फ्लैम सेल्स के द्वारा घुली हुई दशा में ग्रहण कर लिए जाते हैं यानी कि ये जो उत्सर्जी कोशिकाएं हैं इन उत्सर्जी कोशिकाओं के जीव द्रव्य में ये नाइट्रोजनी बेस्ड प्रोडक्ट आ जाते हैं जहाँ से इन्हें इन कोशिका के ल्यूमिन में धकेल दिया जाता है और ल्यूमिन की जो ये जो इसमें जो फ्लैजिला का जो गुच्छा है ये निरंतर गति करता रहता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है
कि संपूर्ण जो उत्सर्जी नलिकाएं और जो कैनाल से उसमें उत्सर्जी उत्पाद जो होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, और अंत में ये बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में जो एक्सक्रीटरी पोर होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। उत्सर्जन के अतिरिक्त ये प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम या ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य भी करता है। इन एडिशन टू एक्सक्रेटरी प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू मैनी हेल्मिंटोलॉजिस्ट दिस सिस्टम फंक्शंस फॉर ऑस्मोरेगुलेट मोर देन एक्सक्रेशन एंड देयर फॉर इज समटाइम कॉल्ड द ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम। यानी कि अनेक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उत्सर्जन की अपेक्षा इस तंत्र की परासरण नियम यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में अधिक भूमिका होती है, अतः इसे ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम की भी संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो टीनिया सोलियम सोलियम या टेरफॉर्म है उसमें एक बिल्कुल सिंपल प्रकार का एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है और उसकी सबसे मेन फंक्शनल यूनिट होती है वो फ्लेम सेल्स होती है, और किस प्रकार से कुछ वेसल्स और कैनाल्स मिलकर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर के बाहर यहाँ पर निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।